बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रोज एक सुबह जो है वो नया मैसेज आता है, एक नया नोटिफिकेशन लोग हमें भेज रहे होते हैं और उसकी अपडेट्स मांग रहे होते हैं। सम टाइम इन्फॉर्मेशन जो वो पूरी हमारे पास भी नहीं होती, तो फिर उसकी भी रिसोर्सेज हमें मालूम करनी पड़ती है। आज सुबह दो तीन लोगों ने मुझे जो है वो डाउन न्यूज के लिंक्स कुछ भेजे हैं, कुछ ऑफिशियल उनकी वेबसाइट्स के, जहां पर इन्होंने जो है वो कहा है कि जो है पाकिस्तान से जो है वो 1 अगस्त के बाद से जो लोग ट्रेवल करेंगे और जो लोग ट्रेवल पाकिस्तान से ट्रेवल करेंगे और जो लोग पाकिस्तान आएंगे तो उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी शो कराना पड़ेगा। अगर उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते। और ये चीज लोग कह रहे हैं कि द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो NCOC है पाकिस्तान का, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। बट ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, NCOC ने ये तजवीज दी है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस की जो है 4th वेव आ चुकी है और एक नया कोरोना वायरस जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट के नाम से, ये कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में इंटर हो गया है, इंडिया यूके के बाद अभी पाकिस्तान में भी आ गया है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि एहतियाती तदबीर को जो है वो मजीद बढ़ाया जाए। तो अभी इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है कि आया जो पाकिस्तान से जाएगा तुर्की या फिर किसी और कंट्री, जो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जा रहा होगा ये इम्प्लीमेंट उसके लिए होगा या जो पाकिस्तान आ रहा होगा ये इम्प्लीमेंट उसके लिए होगा। जितना मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान आ रहे होंगे ये उनसे बोलेंगे कि आप कोरोना वैक्सीन हमें सर्टिफिकेट दिखाएं, ताकि ये पाकिस्तान में कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सके। बट अभी इसके हवाले से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट NCOC की वेबसाइट पे, उनकी ट्विटर अकाउंट पे कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। इन्होंने जस्ट ये कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की किसी जो है वो कम हो। तो अब जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो NOCU की जो है वेबसाइट है और ट्विटर अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा खुद। अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बाकी जहां तक बात वैक्सीन की है, तो देखिए वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में अलग किस्म की है, तुर्की के अंदर अलग किस्म की है। तुर्की के अंदर बायोटेक और सिनोवैक की वैक्सीन लगाई जा रही है। मैंने भी कल माशाल्लाह वैक्सीन लगवाई, फर्स्ट डोज मैंने ली है वैक्सीन की। और तुर्की के अंदर 16+ जो भी एज के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो बेहतर यही है कि आप लोग पाकिस्तान में हैं या तुर्की में हैं या जिस कंट्री में भी आप लोग रहते हैं, तो आप अपनी वैक्सीन की डोजेस को कंप्लीट कर लें और वैक्सीन सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि आज नहीं तो कल इसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये होगी रिक्वायरमेंट। वीजे के साथ आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा कि आप जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाएं। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं की है तो वो बेहतर है कि वो वैक्सीन कर लें, जिनका फ्यूचर में प्लान है ट्रेवल करने का कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर, तो वैक्सीन करा कर रख लें, सर्टिफिकेट लेके रखें, ताकि उनको जब उनका फाइनलाइज हो प्लान करने का इरादा हो तो उनको परेशानी ना हो। अब बाकी 1 अगस्त के बाद ये चीज क्लियर होगी कि आया इसमें इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, या उससे पहले कोई भी अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम लोग जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।